लेट स्टार्ट। प्रोविजन का हम लोगों ने थोड़ा एडवांस लेवल में प्रॉब्लम किया है, डिफरेंट टाइप का। आज एक यूनिक तरीके का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा दो करने के लिए, मुझे पता नहीं होगा और नहीं होगा, देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, द फॉलोइंग बैलेंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/20। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस बोल दिया है, बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम को देखिएगा। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस को बोल दिया है 98,412। सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 1,10,042,520। डिस्काउंट अलाउड 8,324। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 876,940। रिटर्न इनवर्ड 30,510। कैरेज आउटवर्ड 5,760। Provision for bad debt. Opening debt में देखिए आपको कैसे पता चला, opening देखिए 31,319 और balance दिया है 1,419 का debtors, मतलब last year का debtors 6,876। Subsequent inquiry reveals the following information, मतलब ये transaction के बाद भी कुछ finalization के time कुछ और भी चर्चा हुआ है, देखते हैं क्या चर्चा। A check for ₹3,528 from a customer has been returned by the bank. मतलब कोई collection हुआ था, जो bank ultimately क्या कर दिया? Return कर दिया. Probably dishonor हुआ होगा. Bad debt total ₹8,536 are to be written off. इसका मतलब क्या है? देखिए, are to be written off. इसका what का मतलब? अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ। देखिए ऊपर का इंफॉर्मेशन कम है, डिस्काउंट है, रिटर्न है, कैरेज है, लेकिन कहीं पर बैड डेट नहीं है। तो अगर बैड डेट नहीं है तो हम लोगों को बैड डेट देना पड़ेगा, एंट्री पास करना पड़ेगा। ओके, इट वॉज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन क्लोजिंग डेटर्स। अच्छा, कितना प्रोविजन करना पड़ेगा क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर बोल दिया है। On 31/3/20, a check was received for ₹1,400 from a customer who owed Mr. X 7,000 and debt has been written off as bad in the year ended 31/3/2019. No entry in respect of this check has yet been made in the books. Food number 4 point आप बोल सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़िए तो एक बार। अच्छी तरह से पढ़िए, ऑन 31/3/20 अ चेक रिसीव 1400 फ्रॉम 31/3/20, मतलब 1920 के एंड डे में एक चेक रिसीव हुआ है 1400 का फ्रॉम अ कस्टमर, जो क्या था हु ओड, जो आपके पास ड्यू था, रीनी था, 7,000 रुपए का, जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया था एज बैड, घटिया बोल के, मतलब बैड डेट क्रिएट किया था कि कौन सा ईयर, इन द ईयर 31/3/19, मतलब 1819 में उसको आपने क्या कर दिया था, उसको बैड डेट बोल के दिखा दिया था। नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस चेक has yet been made in the books. कोई एंट्री आपके बुक में नहीं हुआ है, मतलब ये आपका क्या था? Previously recovered, sir. नहीं है, रिकवर तो हुआ है 31/3/20 में, करंट ईयर में, लेकिन वो डेट पहले ही राइट ऑफ कर दिया था, तो इसको हम लोग एक वर्ड सेंटेंस में क्या बोलेंगे, इट इज अ बैड डेट रिकवरी, the debt which was actually written off in the year 1890, जो डेट 1819 में राइट ऑफ कर दिया था वो 7,000 रुपया, वहां से ही 1400 मुझे रिकवरी मिला, सो इसको कॉल बैड डेट रिकवरी, जिसका कोई एंट्री नहीं हुआ है तो एंट्री देना पड़ेगा। प्रिपेयर संडे डेटर्स अकाउंट बिकॉज प्रोविजन करने के लिए क्लोजिंग डेटर का जरूरत है और यहां पर कहीं पर क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया है, तो क्लोजिंग डेटर्स आपको करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं,
ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर्स का बेटा? 98,412 31,320 में सब रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो टोटल क्रेडिट सेल्स क्या हुआ? 10,42,520 मेरा टोटल सेल्स था बेटा, उसके भीतर कैश सेल्स है 1,00,000। तो मुझे ये बताइए डेटर्स में क्या क्रेडिट सेल आता है ना कैश सेल्स आता है ना टोटल सेल्स आता है? क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स, वेरी गुड। आप लोग सेल बैलेंसिंग करने के बाद बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं। 10,42,520 उसके भीतर 1,00,000 मेरा कैश सेल्स है, माइनस करने के बाद कितना आएगा? 9,42,520। चलिए उसके बाद डिस्काउंट अलाउड था 8,324, तो चलिए डिस्काउंट अलाउड में लिखते हैं 8,324। मेरे पास कलेक्शन भी था, कलेक्शन रिसीव फ्रॉम आवर डेटर्स 8,76,940, तो चलिए 8,76,940 कलेक्शन 8,76,940 ये कलेक्शन हुआ था, और ये बाप रे सर कलेक्शन का हुआ, कलेक्शन दिखा रहा हूं, कलेक्शन 8,76,940, तो 8,76,940 डन। रिटर्न इनवर्ड 30,510, रिटर्न इनवर्ड 30,510। कैरेज आउटवर्ड, ये एक यूनिक सवाल आपके दिमाग में आएगा, क्या कैरेज आउटवर्ड कस्टमर के ऊपर चार्ज करेंगे ना बिजनेस एक्सपेंसेस बोल के दिखाएंगे? अगर बिजनेस का खर्चा मानते हैं तो कस्टमर के ऊपर चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये खर्चा अगर कस्टमर के रिक्वेस्ट में करना पड़ता है तो कस्टमर के ऊपर चार्ज करेंगे। मतलब आपका डिलीवरी देने का काम दुकान के सामने ही है, आप बोल रहे हैं मुझे हावड़ा में डिलीवरी देना पड़ेगा, तो इसका चार्ज आप लेंगे ना कस्टमर से? नहीं लेंगे। अगर आप मानते हैं ना हम लोग फ्री डिलीवरी देते हैं, इसका मतलब है आपका बिजनेस एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आप मानते हैं ना मुझे चार्जेबल करना है, हम लोग ऐसा कोई फ्री डिलीवरी इतना किलोमीटर हम लोग नहीं देते हैं, तो अगर फ्री डिलीवरी नहीं देते हैं तो कस्टमर के ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। सर यहाँ पर तो कुछ बोला ही नहीं है बिजनेस एक्सपेंसेस और नहीं, कैरेज आउटवर्ड मतलब माल देने का खर्चा, बेचने के बाद माल देने का खर्चा। इसके लिए हम लोग बोलेंगे एक ही वर्ड, सर डेटर्स में दे दिया है, इसका मतलब डेटर्स में ऐड होगा, मतलब कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई कैरेज आउटवर्ड डेटर्स का इंफॉर्मेशन के साथ दे दिया। अगर बिजनेस का एक्सपेंसेस होता तो कभी यहां पर नहीं देता। हम मान के चल रहे हैं कैरेज आउटवर्ड इज आर नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, तो एक्सपेंसेस किसका है? कस्टमर का है। तो कस्टमर का एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं, मतलब बाद में कस्टमर से रिकवरी कर लेंगे, तो चलिए कैरेज आउटवर्ड को क्या करेंगे, कस्टमर को बैलेंस को बढ़ाएंगे। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैरेज आउटवर्ड अज्यूमिंग चार्जेबल टू कस्टमर नॉट सर अगर कस्टमर नहीं रहता एक्सपेंसेस कितना बिजनेस एक्सपेंसेस कैरेज आउटवर्ड 5,760 तो ये था बिजनेस एक्सपेंसेस, अगर होता तो पीएल में जाता है, तो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, ये डेटर्स का एक्सपेंसेस है, तो डेटर्स में ऐड करो 5,760। ऐसा फ्री डिलीवरी शायद नहीं होगा, बिकॉज नहीं तो डेटर्स के इंफॉर्मेशन में क्यों दिया होगा। ओके नेक्स्ट, अ चेक provision for bad debt बाद में आते हैं। A check for ₹3,528 from a customer has been returned bank, मतलब शायद ये check dishonored है, or whatever maybe, तो check dishonored है तो क्या होगा? Debtors का balance को आपको बढ़ाना पड़ेगा, bank का balance को घटाना पड़ेगा। To bank check dishonored check कितना debtors को बढ़ाइए? दिमाग में आ सकता है सर ये cash collection बोला है, तो हो ही सकता है check
बीआरआर चेक दे दिया है, बा लास्ट ईयर में कोई चेक दिया है जो इस बार में डिसऑनर हुआ है, तो कितना चेक डिसऑनर हुआ है? 3528 नेक्स्ट। अब बैड डेट 8536, चलिए बैड डेट 8536 अच्छा, प्रोविजन क्रिएट करने के बोला है और बैड डेट रिकवरी 1400 है, ये बताइए तो क्या बैड डेट रिकवरी डेटर्स में आता है? नो, जर्नल क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, तो थोड़ी ही डेटर्स में आता है। नो, तो नो एंट्रीज रिक्वायर फॉर बैड डेट रिकवरी इन द डेटर्स। होगा ना बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, बैड डेट अकाउंट डेबिट नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। नोट, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर बैड डेट रिकवरी रुपीज 1400 इन डेटर्स अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होता है? बहुत बार जर्नल एंट्री मैंने दिखाया है, फिर से दिखा रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। $1400 तो ये डेटर्स अकाउंट, डेटर्स बोलते हो नहीं होता है कुछ, सन्ड्री डेटर्स, ऑल इंफॉर्मेशन का टोटल लेके सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस, इसलिए नाम है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स बोल के कोई अकाउंट ही नहीं होता है, हम लोग सुविधा के लिए डेटर्स लिखते हैं लेकिन है एक्चुअली सन्ड्री डेटर्स। ओके, चलिए, और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है सर डेटर्स का जो अफेक्ट करता है, तो डेटर्स का बैलेंस कर सकते हैं। चलिए डेटर्स का टोटल करके बैलेंस करते हैं। 98412 प्लस 942520 प्लस 3528 प्लस 5760 1047020, ठीक किया है और नहीं एक बार देख ले तो कुछ फिगर गलत तो नहीं किया है मैंने, कुछ गलती हो रहा है मुझे लग रहा है ना, ना टू बैलेंस 98412 ओके 520 ओके 3528 5760 एकदम परफेक्ट। तो फिगर कितना आया है? होगा 10,47,020 सर, 10,50,220 आ रहा सर। श्योर बैलेंस? यस हाँ सर, 10,50,220 सर। तो यहाँ पर बैलेंस करो, क्लोजिंग बैलेंस देखो तो 10,50,220 माइनस 8,76,940 माइनus 8,324 माइनस 30,510 माइनस 8,536 1,25,910 Yes, sir. Yes. 1,25,910 Done. चलिए, तो क्लोजिंग डेटर्स 1,25,910 क्लियर। चलिए, अब डेटर्स का बैलेंस नहीं करेंगे तो आप प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं कर सकेंगे, तो चलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करना है तो क्लोजिंग प्रोविजन क्रिएट करते हैं। वर्किंग नोट, ये था नोट वन,
अच्छा एक काम करते हैं, नोट टू एक कर देते हैं, क्यों बताते हैं कैरेज आउटवर्ड इज नॉट कंसिडर एज बिजनेस एक्सपेंसेस. And assuming such expenses is paid on behalf of customer, on behalf of customer, hence debited to customer account, debited to debtor's account. However, there may be some alternative assumption to consider as business expenses and non-business expenses. No sir, na pehle not consider kiya tha, carriage water is not considered as a business expenses, to isliye maine debit kahan par kiya tha, hence later. It is debited to debtor's account. लेकिन अगर मैं उसको business expenses का treat करता हूं, business expenses, then charge to profit and loss account. Okay? तो ये आपका assumption के ऊपर निर्भर करेगा, तो ये का इसका जरूरत नहीं है. ओके चलिए, क्लोजिंग डेटर्स 1,25,910, क्लोजिंग प्रोविजन कितना होगा सर? 10% ऑन 1,25,910, 12,591. क्लियर और नॉट? तो अमाउंट हो गया, लेकिन तो मुझे तो अकाउंट करना बोला है, तो चलिए क्या करते हैं. धीरे धीरे आते हैं. आपका ओपनिंग प्रोविजन कितना है? देखिए ओपनिंग प्रोविजन बोल दिया है, लास्ट ईयर का प्रोविजन बोल दिया है, क्लोजिंग डेट का प्रोविजन एज ऑन 31/3/2019, मतलब लास्ट ईयर में प्रोविजन था, तो यही इस साल का ओपनिंग प्रोविजन होगा 6,876. सब देख लीजिए, लास्ट ईयर का प्रोविजन 31/3/19 में क्लोजिंग प्रोविजन था, इसको ही हम इस करंट ईयर में क्या दिखाएंगे, ओपनिंग प्रोविजन बोल के. कितना ओपनिंग प्रोविजन पिछले साल का ना सर? ये तो इस साल का नहीं है, ये तो पिछले साल का. इसलिए पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का ओपनिंग 6,876. जी सर, 6,876. नाउ ड्यूरिंग द ईयर में जितना बैड डेट हुआ है वो सिंस ओपनिंग डेट में प्रोविजन है, तो कहां पर चार्ज करेंगे बैड डेट को अगर प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं प्रॉपरली? प्रोविजन में चार्ज करेंगे. प्रोविजन में चार्ज करेंगे. अगर ओपनिंग डेट में कोई प्रोविजन नहीं है तो उस ईयर के लिए हम लोग पीएल चार्ट में चार्ज करेंगे, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में हम लोग प्रोविजन अकाउंट में ही चार्ज करेंगे. तो यहां पर तो ओपनिंग प्रोविजन है, तो बैड डेट कहां पर चार्ज करेंगे? बैड डेट का अमाउंट, बैड डेट 8,536. क्लोजिंग बैड डेट कितना वर्किंग नोट वन में था? 12,591. चलिए
आई थिंक आपको बोलना नहीं पड़ेगा. बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग प्रोविजन था 6876, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट हुआ था 8536, सो उस प्रोविजन से बैड डेट एडजस्ट हुआ है. फर्दर क्लोजिंग डेट में आपको इतना करना पड़ेगा, तो नेट क्या हुआ, नेट आपका पीएल में कितना इफेक्ट पड़ेगा, 8536 + 12 5912 21127 - 6876 14251. Yes, yes, sir. Yes or no? Yes, sir, correct. Okay. तो यहां तक इस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए. ये प्रॉब्लम नंबर कितना हो रहा है मुझे पता नहीं, थोड़ी लगाते हैं सर. 5 होगा ना. हाँ सोच रहे थे 5 होगा. ठीक है सर. सर बैड डेट्स आर टू बी रिटन ऑफ, जो इसमें दिया था वो प्रोविजन में आएगा सर. हाँ मतलब करंट ईयर में बैड डेट आपको चार्ज करना पड़ेगा, तो करंट ईयर में मैंने बैड डेट चार्ज किया डेटर्स में, यही तो है बैड डेट 8536. तो करंट ईयर में बैड डेट का अकाउंट ओपन हो गया, तो बैड डेट कहां पर चार्ज करेंगे, अल्टीमेटली क्लोज करेंगे कहां पर. बैड डेट तो चार्ज हो चुका है डेटर्स में, राइट ऑफ कर चुके हो, तो अब बैड डेट तो मेरा लॉस है. तो ये लॉस को कहां से सेट ऑफ करोगे, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सेट ऑफ करोगे ना प्रोविजन अकाउंट से सेट ऑफ करूंगा. तो मेरा सिंपल आंसर होगा सर, हम लोग प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं और ओपनिंग में प्रोविजन है, तो मैं उसको कहां से सेट ऑफ करूंगा, प्रोविजन अकाउंट से. तो टू बैड डेट अकाउंट 8536. सर अगर फर्दर होता तो सर बैड डेट का एक अकाउंट खोलना. देखो बेटा यहाँ पर फर्दर का कोई सवाल ही नहीं है, क्यों, ये पूरा ही बैड डेट ही होगा, बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर में कोई बैड डेट का इंफॉर्मेशन नहीं है पीएल में, अकाउंट्स में. देखिए डेटर, सेल्स, डिस्काउंट, कैश, रिटर्न, कैरेज आउटवर्ड, प्रोविजन, बैड डेट कहां पर है. बैड डेट वो लोग कब डिसाइड करते हैं, एंड ऑफ द ईयर, तो एंड ऑफ द ईयर ही तो डिसाइड किया है. कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग द ईयर भी होता है, एंड ऑफ द ईयर भी होता है. एंड ऑफ द ईयर का बैड डेट को बोलते हैं फर्दर बैड डेट, लेकिन यहाँ पर तो ड्यूरिंग द ईयर कोई बैड डेट डिसीजन होता ही नहीं है, जो भी बैड डेट का डिसीजन होता है एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके तो एंड ऑफ द ईयर में बैड डेट चार्ज किया डेटर्स में बैड डेट. नाउ ये बैड डेट लॉस कहां से, अल्टीमेटली ये लॉस को कहां पर राइट ऑफ करेंगे, आइदर प्रोविजन अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे और पीएल अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे. सिंस यहां पर ओपनिंग प्रोविजन है तो पीएल अकाउंट से राइट ऑफ करने का कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग कहां से राइट ऑफ करेंगे, प्रोविजन अकाउंट से, इसलिए प्रोविजनल अकाउंट से राइट ऑफ किया. डन? यस सर. एनी डाउट सर? रिकवरी नहीं लेते हैं. रिकवरी का जर्नल तो है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, वो तो डेटर्स में आने का ऑप्शन ही उसका नहीं है. तो नहीं डालना पड़ेगा. yes. हम लोग नहीं लेके नोट में डाल सकते हैं सर कि एज्यूम कर रहे हैं कि सर ये बिजनेस के लिए है ना, वो ठीक नहीं होगा. कर सकते हो, काटेगा नहीं, लेकिन ठीक नहीं होगा. नहीं तो अब सिंपल सवाल, आपको यहाँ पर दिया क्यों है, डेटर्स में इंफॉर्मेशन दिया क्यों है, कर सकते हो, नो इशू. कैरेज आउटवर्ड तो नॉर्मली पीएल में ही चार्ज करते हैं हम लोग सर. क्यों चार्ज होता है, ये सब सीखो बेटा, क्यों, व्हाई. मैंने बोल दिया और आपने चार्ज कर दिया, बाप रे बाबा, मैं कौन होता हूँ भाई, मैं भगवान हूँ थोड़ी. मैंने आपने सब बोल, आपने बोल दिया और आपका मुझे मानना पड़ेगा, नो. कैरेज आउटवर्ड अगर बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह मानते हो, दैट्स व्हाई पीएल में चार्ज करते हो. अगर वो मेरा ही एक्सपेंसेस नहीं है, दूसरे का एक्सपेंसेस है, तो मेरा पीएल में क्यों चार्ज होगा. सर ट्रेडिंग में चला जाएगा फिर. ट्रेडिंग में चला जाएगा, क्यों ट्रेडिंग में चला जाएगा, ट्रेडिंग में क्या जाता है, ट्रेडिंग में जो गुड्स बेचते हो सेल करते हो उसका इंफॉर्मेशन जाता है, बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं जाता है. अगर मेरा एक्सपेंसेस ही नहीं है, वो ना ट्रेडिंग में जाएगा ना बिजनेस में जाएगा. जो जिसके बिहाफ में मैंने पैसा पेमेंट किया है उसको डेबिट करके रखूंगा, यहाँ पर कस्टमर के बिहाफ में पेमेंट किया है तो कस्टमर को डेबिट करूंगा. तो सर अगर क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो सर उसमें कैरेज इनवर्ट का भी सेम होगा सर.
कैरेज इनवर्ड भाई माल लेने का खर्चा, यहाँ पर भी उल्टा होता है। अगर माल लाने का खर्चा अगर आपको ही बियर करना है तो आप क्रेडिटर्स को क्यों चार्ज करेंगे? और लेकिन क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स अगर ये पैसा पेमेंट कर देता है देन आपको ऑब्वियसली क्रेडिटर्स दिखाएंगे, मतलब कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक तो नहीं दिखा सकते, टू क्रेडिटर्स दिखाएंगे। हाँ सर, अगर आपका अच्छी तरह से समझिए, एक्सपेंसेस अगर आपका है तो दो ऑप्शन है, आप पे करें, आप ना पे करें, और आपका बियाह में दूसरा कोई पे करे। देखिएगा मेरा बिल्डिंग ब्लॉक्स, पहला क्लास में ये सब मैंने सब कराया था, आप लोग वो सब देखते नहीं है, दूसरा इश्यू, लेकिन देखिएगा मैंने सब फील्डिंग बना के रखा था। एक्सपेंसेस तीन प्रकार का होता था, एक आप खुद पेमेंट करें एक्सपेंसेस टू बैंक, दूसरा कोई पेमेंट आउटस्टैंडिंग रहा एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीसरा एक्सपेंसेस लेकिन दूसरे का एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो, तो एक्सपेंसेस तो आप नहीं लिख सकेंगे, तो उस पार्टी का नाम डेबिट टू बैंक लिखेंगे। सर यही तो प्रॉब्लम है सर, लोग बोलता नहीं है ना सर कि कौन सा है, मतलब खाली लिख देगा कैरेज करना होता है ना, जो नॉर्मल है वही अज्यूम करना, मेरा एक्सपेंसेस है मैं ही पे करूंगा, डेटर्स का डेटर्स में दिखाया है मतलब वो डेटर्स का ही एक्सपेंसेस है, नहीं तो डेटर्स में क्यों दिखाएगा? ओके सर, जिसमें दिया उसमें अज्यूम कर लेंगे। करना डिस्काउंट है सर वो अलाउड ना रिसीव क्या समझूंगा, मान के चलूंगा अलाउड, ऑलवेज कंजर्वेटिव एस्टिमेट फॉलो करते हैं, बचपन से सीखे हैं, मेरा खर्चा सोच के चलिए अगर नहीं दिया है। yes, sir. सिचुएशन में जो फिट कर रहा है उसको हम लोग एकदम एकदम वेरी गुड, जो सिचुएशन में, तो इसके लिए प्रॉब्लम पढ़ना पड़ता है, प्रॉब्लम को देखना पड़ता है, आप लोगों का एक कॉमन हैबिट है प्रॉब्लम देख के शुरू कर देना ना, प्रॉब्लम का सोचना है क्यों ये फिगर यहाँ पर आया है, क्यों ये करता है। अगर आपको जिंदगी में डॉक्टर बनना है बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज लगना पड़ेगा, तभी आज का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो कल आपका बिल्डिंग बहुत बड़ा उठेगा, लेकिन आज ही आपका बिल्डिंग नरवर कर रहा है, ट्यूशन वाला केस है, तो आपका बिल्डिंग 100% बहुत दूर तक नहीं जाएगा, धीरे धीरे रिजल्ट खराब होता जाएगा, और आप सोचेंगे छोटा मोटा नौकरी मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट, बीकॉम में 70% 80% मार्क्स आया, ऑटोमेटिकली आपके भीतर में एक चार्ज आएगा, नो, मुझे और भी हायर स्टडी करना है, मुझे और भी बेटर करना है, और भी अपर लेवल में जाना है, मेरा यूनिवर्सिटी में रैंक करना है, अभी आपका टारगेट है कॉलेज में ताज मोहम्मद को मारना, क्यों? ताज मोहम्मद ने ऐसा क्या किया, अकाउंट्स में उसका नंबर है 99, तो उसको मारने के लिए आपको 100 में आउट ऑफ 100 लाना पड़ेगा, जब तक नहीं करते हो तब तक आप लोग एक ऑडिन उससे भी बिलो ही रहोगे, उसको क्रॉस करने के लिए उसको 100 एंड आउट ऑफ 100 करना पड़ेगा, उसका परफेक्शन लेवल लाना इतना आसान नहीं है, वो चर्चा करके करके करता है, एक पॉइंट्स को मेरा वो डिटेल में देखता है, उसके बाद वो उसका रिफ्लेक्ट करता है, तो डिटेल्ड हर आइटम को डिटेल ही फॉलो करता है, जितना नोट्स लिखाता हूं सब नोट्स उसका खाता में रहता है। चलो जी, जानता नहीं हूं कितना तक होगा, वी विल ट्राई। ऑन 1/4/1919 Following balances appeared in the books of Uncertain Limited. Debtors 2,15,000. अच्छी तरह से देखिएगा. अच्छी तरह से देखिए. On 31/4/2019, following balances appeared in the books of Uncertain Limited. Debtors 2,15,000, provision for bad debt 22,000, including 9,000 due from A and 3,000 and rupees 3,000 against rupees 6,000 due from B. मुझे सिर्फ ये लाइन का मतलब बताइए और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी आप समझ जाएंगे। A और B specific debtors है सर। Sorry? A और B specific debtors है सर। Wonderful, wonderful. A and B are the specific debtors. और कुछ? ये first information आया।
दूसरा दिमाग ठंडा करके बोलना, हड़बड़ी मत करना। सर ए 100% ड्यू है सर और बी का 50% एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैड डेट होगा, और ए का 100% बैड डेट होगा सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, ए का एज्यूम कर रहे हैं पूरा 9000 ही बैड डेट हो सकता है। क्या बोला मैंने वर्ड? बैड डेट हो सकता है। अगर बैड डेट हो सकता है तो 9000 का प्रोविजन करेंगे स्पेसिफिक प्रोविजन, एंड बी 6000 में 3000 बैड डेट हो सकता है तो उसके लिए कितना प्रोविजन करेंगे? 50% 3000। क्लियर? एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड 3800। मुझे कोई बता सकता है कितना आपका जनरल प्रोविजन है, कितना स्पेसिफिक प्रोविजन है? 2 लाख में 10 प्रोविजन, कितना स्पेसिफिक प्रोविजन? सर 10,000 स्पेसिफिक प्रोविजन होगा और 12,000 जनरल। सॉरी स्पेसिफिक बोलिए, उल्टा स्पेसिफिक बोलिए। स्पेसिफिक 12,000 है सर। क्यों 12,000 सर? 9,000 and 3,000 12,000, वेरी गुड। और जनरल 10,000 रिमेनिंग। ऐसे 10,000 समझ में आया? 22,000 माइनस 12,000। वेरी गुड, टोटल प्रोविजन मेरा 22 था, उसके भीतर 12,000 इज अ जनरल स्पेसिफिक प्रोविजन, तो 10,000 रुपए मेरा क्या है? जनरल प्रोविजन। ओके सर। कब से फोन लगाने के लिए? इमरान गुप्ता स्टॉपिंग, प्लीज स्टॉप। ऑन 31/3/2020 द डेटर्स बैलेंस, 31/3/20 मतलब क्लोजिंग डेटर्स 3,70,000, the amount of bad debt and discount allowed बोल दिया है 6,000, 4,200 मतलब during the year में इतना bad debt and discount हुआ है। The close scrutiny revealed the following, बहुत अच्छी तरह से scrutiny करने से, देखने से, छानबीन करने से ये पता चलता है 4 point। A, ये सोचिए, amount due from A was finally settled at rupees 3,000 मतलब 9,000 के भीतर ये कब तुम लोग सोचोगे? Amount due from A was finally settled at rupees 3000 and credited to debtors. Okay, मतलब 9000 में 3000 पेमेंट किया है और बाकी 6000 पेमेंट नहीं किया है, मतलब बाकी 6000 एक्चुअल में बैड डेट हुआ जिसका एंट्री भी नहीं दिया है। कहां बोला है? सिर्फ 3000 का क्रेडिट हुआ है डेटर्स में, नो अदर एंट्री वाज पास्ट, बिकॉज एक्चुअली एंट्री क्या हुआ था? बैंक अकाउंट डेबिट 3000, डेटर्स अकाउंट बैड डेट अकाउंट डेबिट 6000 टू डेटर्स। उसने सिर्फ एक ही एंट्री दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 3000। बैड डेट का कोई एंट्री नहीं दिया, इसलिए लिखा है नो अदर एंट्री वाज पास्ट, तो बैड डेट का एंट्री देना पड़ेगा, that is further bad debt। B, जो 6000 full pay कर चुका है, मतलब जो मैंने सोचा था 50% नहीं pay करेगा, कहां पर? ये, इसके लिए 3000 provision भी create करके रखा था, उसने full payment कर दिया, and some so received credited to debtors account। ठीक ही है, debtors में भी credit करना चाहिए था, उसने किया भी है, no problem। B लेके कोई problem नहीं है। C, one customer whose account was written off 2017-18, okay? लास्ट ईयर में राइट ऑफ कर दिया था, एंड द सेम वाज क्रेडिटेड टू हिज न्यूली ओपन। अच्छा, वन कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ इन द ईयर 2017-18। एक कस्टमर है जो 2017-18 में मेरा कस्टमर हुआ करता था, उस टाइम उसने क्या किया? उसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया था। उसने क्या किया? पेड 2000, अभी 2000 रुपया पे कर रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं वो बैड डेट रिकवरी था। एंड द सेम वाज क्रेडिटेड टू हिज न्यूली ओपन पर्सनल अकाउंट, मतलब क्या किया? शायद उसके साथ फिर से बिजनेस शुरू हुआ है, उसका अकाउंट फिर से ओपन हुआ है, और जो 2000 रुपया आपको मिला था आपने क्या किया? उसका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। द सेम वाज क्रेडिटेड टू हिज न्यूली ओपन अकाउंट, मतलब सिंपली
डेटर्स में क्रेडिट कर दिया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर दिया, लेकिन होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी. द डेटर्स बैलेंस 31,320 इज द नेट, नेट मतलब माइनस करके आफ्टर एडजस्टिंग इट, मतलब माइनस करके ये फिगर है, लेकिन उसने तो पेमेंट किया ही नहीं था, वो तो बैड डेट रिकवरी था, तो बैड डेट रिकवरी में दिखाना चाहिए था आपको, बैंक टू बैड डेट रिकवरी दिखाना चाहिए था. आपने तो बैंक टू बैड डेट रिकवरी नहीं दिखाया, आपने दिखाया बैंक टू डेटर्स, ये आपने गलत किया है. चेक रिसीव फ्रॉम डी अ कस्टमर एंड डिपोजिटेड इन टू बैंक 10,000. चेक क्या हुआ, डी से एक चेक मिला है, वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी हुआ है जो डिसऑनर हुआ है, मतलब चेक डिसऑनर हुआ है. एंट्री फॉर डिसऑनर इज येट टू बी पास्ड, इज येट टू बी पास मतलब अभी तक पास नहीं किया, नॉट पास का दूसरा इंग्लिश है येट टू बी पास्ड, अभी तक नहीं हुआ है. फर्दर इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन 60% प्रोविजन अगेंस्ट इट, मतलब इसका डिसऑनर का तो एंट्री देना ही पड़ेगा, प्लस ये जो 10,000 उस डेटर्स में 6,000 मुझे स्पेसिफिक प्रोविजन करना पड़ेगा, तो मुझे स्पेसिफिक प्रोविजन जनरल प्रोविजन दोनों ही करना पड़ेगा. स्पेसिफिक प्रोविजन का परसेंटेज 60% बोल दिया है, जनरल प्रोविजन का परसेंटेज नहीं बोला है, ये जनरल प्रोविजन का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. प्रिपेयर अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अज्यूमिंग दैट percentage of provision for doubtful debt and discount allowed will remain the same as before. इसका मतलब last year में जो हुआ था same rate यहाँ पर भी applicable होगा. तो last year में कितना applicable हुआ मुझे calculate करना पड़ेगा. तो मेरा दो काम हो गया यहाँ पर, दो काम मैं कर दूंगा, बाकी दो काम आपको घर में करना पड़ेगा. एक last year का percentage calculate करके दूंगा और दूसरा इस ईयर का डेटर्स का बैलेंस मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा. चलिए आते हैं. वर्किंग नोट वन में आइए, टू में आइए. रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डिस्काउंट, आपका ओपनिंग डेट में बैलेंस कितना है 1,419 में 2,15,000 डेटर्स, देखिए डेटर्स का अमाउंट 2,15,000. आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट टोटल है 22,000 और डिस्काउंट अलाउड 3,800. चलिए 22,000 एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 3,800. मुझे बोलिए स्पेसिफिक डेटर्स का डेट अमाउंट कितना है और उसके ऊपर कितना प्रोविजन हुआ है. देखिए स्पेसिफिक डेटर्स है दोनों ए एंड बी, ए का डेटर से कितना 9,000 और बी का डेटर से कितना 6,000. एम आई करेक्ट, ए का डेटर से 9,000 एंड बी का डेटर से 6,000. तो जनरल डेटर्स कितना हुआ बेटा 2,00,000, टोटल प्रोविजन था 22,000, स्पेसिफिक डेटर्स ए के ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन हुआ था पूरा 9,000 और स्पेसिफिक डेटर्स बी के ऊपर प्रोविजन हुआ था 3,000. तो मुझे बताइए प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना हुआ 10,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना हुआ 3,800, मतलब वो नॉर्मली है. तो मुझे ये बताइए व्हाट इज द जनरल रेट ऑफ प्रोविजन, परसेंटेज ऑफ जनरल प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना. 10,000 का जो जनरल प्रोविजन हुआ था किसके ऊपर, जनरल डेटर्स के ऊपर, जनरल 20,000, 2,00,000
डिवाइडेड 10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख कितना परसेंटेज 5%। तो मुझे ये बताइए आपका 2 लाख के ऊपर जनरल प्रोविजन था 10,000, इसका मतलब आप जानते हैं 1,90,000 का आपको पैसा मिलेगा और 10,000 रुपए का पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो कितना के ऊपर डिस्काउंट ऑफर करेंगे? 3,800 का जो मैं डिस्काउंट का ऑफर करूंगा कितना डेटर्स के ऊपर? क्या 2 लाख के ऊपर ना 1,90,000 के ऊपर? सर आपने ही सिखाया था मुझको जितना डेटर्स मिलने वाला है एक्सपेक्टेड टू मिलेगा उसके ऊपर प्रोविजन होता है। तो मेरा एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन कितना है? डेटर्स तो मेरा 2 लाख है लेकिन 10,000 में एक्सपेक्ट कर रहा हूं नहीं मिलेगा, तो मुझे मिलेगा कितना? 1,90,000। तो मेरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना होगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 1,90,000 कितना परसेंटेज आता है? 2%। 10,000 नहीं, गलत हुआ है, 3,800 डिवाइडेड बाई 1,90,000 दैट इज इक्वल टू 2%। डन? Agree or not? तो ये आपका प्रोविजन हो गया। Now, क्लोजिंग debtors. अकाउंट करने के लिए नहीं बोला, अकाउंट तो सिर्फ दोनों ही करने के लिए बोला है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट और डिस्काउंट करने के लिए मुझे पहला जो जरूरत है रेट निकालना, वो मैंने निकाल लिया है 5% 2%। अब क्लोजिंग डेटर्स निकालते हैं। वर्किंग नोट 1 रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग फिगर ऑफ डेटर्स बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड। तो चलिए 31,320 में बैलेंस गिवन बिफोर एडजस्टमेंट 3,76,000 and 4,200 कहां दिया है? देखिए ऑन 31 बोल्ड कर रहा हूं लाइन को, ऑन 31,320 द डेटर्स बैलेंस 3,70,000 द अमाउंट ऑफ बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड 6,000 4,200 रेस्पेक्टिवली बोल दिया है। ये सब इफेक्ट दिखाने से पहले ये ऑलरेडी बोल के रखा है। तो चलिए 3,76,000 and 4,020 less further bad debt, 9,000 के भीतर 3,000 का रिकॉर्ड हुआ था और 6,000 का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था तो चलिए बैड डेट का एंट्री दे रहे हैं डेटर से लेस कर रहे हैं 6,000 और बैड डेट में ऐड कर रहे हैं प्लस तो लेस फर्दर बैड डेट डेटर से माइनस हो जाएगा और बैड डेट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको सी से पैसा मिला था जो पहले बैड डेट रिकवरी किया था, वो आपका बैड डेट रिकवरी होना चाहिए था लेकिन आपने क्या किया, उसको 2,000 रुपए डेटर्स में क्रेडिट कर दिया था, तो गलती से क्रेडिट हो गया, वो मेरा बैड डेट रिकवरी है। तो ऐड डेटर्स रॉन्गली क्रेडिटेड सी 2,000, तो डेटर्स 2,000 क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक है 2,000 मैंने ऐड कर दिया, वो तो मेरा बैड डेट रिकवरी जाएगा, तो बैड डेट रिकवरी में दिखाएंगे, डेटर्स में कुछ नहीं होगा। एक डिजोनर चेक था 10,000 रुपए का, तो डिजोनर चेक है मतलब डेटर्स बढ़ेगा, तो 10,000 रुपए का मैंने डेटर्स ऐड किया, तो एडजस्टेड बैलेंस क्या हो गया, डेटर्स 3,76,000, बैड डेट 12,000, डिस्काउंट अलाउड 4,200। नाउ तो मेरा क्लोजिंग डेटर्स बैड डेट डेटर डिस्काउंट हो गया, रेट भी कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे क्लोजिंग प्रोविजन करना है। क्लोजिंग टोटल डेटर्स 3,76,000 कहां से मिला आपको? देखिए मैंने एडजस्ट करके लिखा 3,76,000, आ जाइए 3,76,000 डेटर्स, जिसमें स्पेसिफिक डेटर्स जिसके ऊपर डिजोनर चेक 60% प्रोविजन रिक्वायर है, स्पेसिफिक डेटर्स है 10,000 और जनरल डेटर्स है 3,66,000। परसेंटेज ऑफ पीबीडी है 60%, जनरल डेटर के ऊपर परसेंटेज है 5%, मैंने वर्किंग नोट 1 में किया 2 में किया था। प्रोविजन का अमाउंट मैंने कर लिया 60% ऑफ 10,000 6,000, 3,66,000 के ऊपर 5% 18,300। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन कितना है? 4,000 और जनरल डेटर्स का एक्सपेक्टेड 3,47,700, जो डिस्कस पहले भी किया था। जो लोग पैसा नहीं दे रहा है मैं जानता हूं, लोगों को क्या मिठाई खिलाऊंगा डिस्काउंट दूंगा? नो,
इसलिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट उसके ऊपर करूंगा ही नहीं, नील। लेकिन जनरल डेटर्स मतलब जो लोग पैसा देगा वो उसके ऊपर मैं प्रोविजन कर सकता हूँ, तो 2% ऑन दैट एक्सपेक्टेड डेटर्स रियलाइजेशन, तो इसके ऊपर 2% करने के बाद 6954 एंड 24300, यही आपका प्रोविजन का फिगर है। तो ये क्लोजिंग का प्रोविजन, ये दो अकाउंट आप घर में करेंगे, यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको पूरा दिखा दिया, मैंने ये भी नोट में दे दिया, बैड डेट रिकवरी 2000 रिटन ऑफ एज बैड इन द ईयर 17-18 नाउ रिकवर्ड इन द ईयर 2019-20 इज टू बी कंसिडर्ड एज bad debt recovery and should be credited to profit and loss account for the year end. Okay? तो bad debt recovery का कोई entry नहीं होगा, जो गलती से creditors में debtors में credit कर दिया था मैंने भरा दिया है। कैसे भराया है? at debtors 2000. Clear? तो चलिए, यहां तक कोई doubt है तो बोल सकते हैं, बोलिए। यहां तक कोई डाउट है बेटा? यहां तक कोई डाउट है? हेलो? नो सर। नो सर, नो डाउट। थैंक यू। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, यहां पर बहुत अच्छा मतलब आपका जो इतना दिन आपने क्लास किया है सब आपका क्या बोलते हैं आपका मिला के एक एरिया है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम को देखिएगा, ठीक है? चलो बेटा। ओके सर। ओके सर, हम लोग पहले वर्किंग नोट बना के फिर हम लोग बना सकते हैं सर अकाउंट? पहले तो वर्किंग नोट ही बनाएंगे, उसके बाद ही करेंगे।